हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 22 एंड दिस वर्कशीट फॉर 27th ऑफ अगस्त 2021। सो डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जो ये एग्जाम में डेफिनेटली पीएच स्केल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यार स्टूडेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द एच प्लस आयन एंड द ओ एच आयन्स प्रोड्यूस एसिड एंड द गिव्स राइज टू द मोर एच प्लस आयन आर सेट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस जो है ना डियर स्टूडेंट वो डिपेंड करता है एच प्लस आयन पर, और ओ एच माइनस आयन प्रोड्यूस जो होता है उस पर डिपेंड करता है। एसिड तब जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, जब एच प्लस आयन्स जो है ना इसमें जब ज़्यादा होगा, ठीक है, और जब एच प्लस आयन जो है ना क्या होगा कम होगा तो एसिड जो है ना वीक एसिड हो जाएगा, जिसके कुछ कारण भी है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है ए स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशंस। इन ए सॉल्यूशंस कॉल्ड पीएच स्केल्स हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है, और पीएच स्टैंड फॉर द एच प्लस और पोटेंशियल ऑफ एच प्लस। यानी पीएच जो है ना एच प्लस पावर के लिए भी होता है और पोटेंशियल के लिए भी एच प्लस होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये थर्ड पॉइंट है डियर स्टूडेंट, पीएच स्टैंड फॉर द एच प्लस और पोटेंशियल एच प्लस। अब यहाँ फोर्थ है एच प्लस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। यानी H प्लस स्टैंड करता है, यानी H प्लस आयन बताता हमें कौन एसिड है और कौन बेस है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। यानी जो यहाँ देखिए ये जो न्यूट्रल पीएच जो है ना हमारा प्योर वाटर का ये 7 होता है, ठीक है। यानी पीएच जो है ना न्यूट्रल होता है कितना डियर स्टूडेंट, 7 पे। तो पीएच का जो सॉल्यूशन होता है वो पीएच 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, और 7 से कम होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट 7 से अधिक होता है तो बेसिक हो जाता है, ठीक है, जो कि ओ एच आयन कंसनट्रेशन इज सॉल्यूशंस डेट इज़ द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कली, जो कि एल्कली इंक्रीज करता है। यानी तो आपको याद रखना है जनरली डियर स्टूडेंट, ये जो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है ना देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ये जो हमारा जो पीएच स्केल है यहाँ से हमारा एसिडिक हो जाएगा और यहाँ से हमारा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कास्टिक जूस का कितना होता है जो है ना, इसका जो 0.5 होता है इसका, ठीक है, पीएच स्केल जो कि एसिडिक होता है उसका। लेमन जूस का जो है ना अबाउट द 2.2 होता है, यानी कि ये डियर स्टूडेंट ये हमारा एसिडिक होता है, ठीक है। उसके बाद आप प्योर वाटर का 7 देखेंगे, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप जो है ना डियर स्टूडेंट जो आप देख पाएंगे जो 9.5 लगभग 10 के पास पार होता है, ठीक है, 10 के आसपास होता है। अब आपको इसमें देखना जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। प्लांट एंड एनिमल कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ द पीएच चेंज। यूजुअली द एनिमल एंड द ह्यूमन बॉडी वर्क इन द पीएच रेंज ऑफ द 7 to 7.5। यानी हमारा जो बॉडी है डियर स्टूडेंट वो 7 से 7.5 पीएच स्केल तक ही वर्क करता है, फंक्शन करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ द रेन वाटर इज बिलो 5.6, जब पीएच जो है ना रेन वाटर का 5.6 है तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन होता है। और व्हेन द एसिड रेन फॉलो थ्रू द वाटर बॉडीज लाइक द रिवर्स और लेक द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर इज ड्रॉप्ड एंड दिस कॉज डैमेज द एक्वेटिक्स लाइफ, जो कि एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करता है। अब देखिए फर्दर मोर वेन द पी एच वैल्यू ऑफ द आर स्टमक डिक्रीज वी गेट एसिडिटी प्रॉब्लम। यानी जब पी एच वैल्यू हमारे बॉडी के अंदर डिक्रीज होता है तो हम एसिडिक प्रॉब्लम झेलते हैं, ठीक है। वेन द पी एच वैल्यू ऑफ द आर माउथ रिड्यूस तो हमारा टूथ डीके हो जाता है। जब हमारे माउथ का पी एच वैल्यू कम हो जाता है तो हमारे दांत झड़ने लगते हैं, राइट। अब चेंज इन द पी एच वैल्यू ऑफ द सॉइल में इट्स इनफर्टाइल। यानी जो है ना अगर मिट्टी का पी एच मान अगर चेंज हो जाता है तो उसको बंजर बना देता है, ठीक है, जिसमें कुछ उगता नहीं है, ठीक है, कोई क्रॉप नहीं हो पाता है, राइट। अब डियर स्टूडेंट इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है इसका जो है ना सारा का क्वेश्चन आंसर, तो चलिए एक एक करके इस सभी का आंसर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, विच ऑफ दिस टू हैव हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसका होता है? तो डियर स्टूडेंट, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, मीन्स सॉल्यूशन ए इज एसिडिक इन नेचर एंड द सॉल्यूशन बी इज बेसिक इन नेचर, एंड वी नो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मोर इन द एसिडिक सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन ए हैज हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, इन द एबव क्वेश्चंस व्हिच वन ऑफ द टू सॉल्यूशंस ए एंड बी इज एसिडिक एंड व्हिच वन इज द बेसिक इन नेचर, द पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज इंडिकेट एन एसिडिक सॉल्यूशंस व्हाइल द ग्रेटर देन द 7 इंडिकेट ए बेसिक सॉल्यूशन, सो द सॉल्यूशन ए इज एसिडिक इन नेचर एंड द सॉल्यूशन बी इज बेसिक इन नेचर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे, इट्स टू इजी, फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट्स टर्न इनटू कर्ड, कैसे आप सोचते हैं जो पीएच जो है ना चेंज हो जाता है कर्ड के फॉर्म में, ठीक है, यानी एक जो है ना मिल्क, फ्रेश मिल्क कैसे, दूध से दही कैसे बनता है, ठीक है, पीएच के चेंज होने से। तो देखिए, व्हेन मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड देन इट्स पीएच वैल्यू विल डिक्रीज, कम हो जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड, जो कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, दही में जो है ना डियर स्टूडेंट कौन से एसिड पाया जाता, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है इन द कर्ड विच इज एसिडिक इन नेचर। नाउ डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, क्या पीएच का जो क्या इंपॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में, तो इसका जो है ना डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ जो अभी अभी मैंने पढ़ाया, पीएच एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ द पीएच स्केल्स, यूजुअली द एनिमल्स एंड ह्यूमंस बॉडी वर्क इन द पीएच रेंज ऑफ द 7 to 7.5। तो ये सारे जो है ना डियर स्टूडेंट इसको आप लिख लीजिए यहाँ से, ये आपका आंसर है, राइट, आप यहां से भी लिख सकते हैं इसको, पीएचएस का यही है, इसी को मैंने वहां पे उठा के रखा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।